अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर भिवंडी से आ रही है। बता दें कि मुंबई नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर तकरीबन घंटों से ट्रैफिक जाम लगी हुई है। बता दें कि इसकी मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि महामार्ग पर जो गड्ढे हैं, जिसके वजह से काफ़ी गाड़ियां जो है स्लो गति से चलती हैं और जिसके बाद यहां पर ट्रैफिक जाम लग चुकी है। बता दें कि सुबह से ही ये ट्रैफिक जाम लगी हुई है, जिसके वजह से काफ़ी वाहन चालकों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियां जो है वो रॉन्ग साइड से जा रही थी, जिसके वजह से सामने से आ रही गाड़ियां और रॉन्ग साइड से जा रही गाड़ियां दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिसके वजह से यह ट्रैफिक जाम लग चुकी है। हालांकि देखते ही यह पूरी लाइन जो है वो किलोमीटर में बदल गई। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे वाहन हैं जहां पर 2 से 3 घंटों तक एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। किसी को तो इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है जिसमें मरीज तक है और उनको भी यहां से गुजरना है, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो जा नहीं सकते। हालांकि बताते चलूँ कि मुंबई नासिक महामार्ग तकरीबन 4 से 5 घंटों से पूरी तरह से रुका हुआ है और इस रास्ते से आ रही सभी गाड़ियां एक के पीछे एक ऐसे लाइने पर लाइन लगी जा रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई नासिक महामार्ग को जल्द से जल्द इस मार्ग को खुला करने के लिए वाहतुक पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है, स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है, पड़गा पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई है और जल्द से जल्द इस मार्ग को किस तरह से खुला किया जाए ऐसा प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा अंदाज बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक अभी इस मार्ग को पूरी तरह से खुला होने को लग सकता है। हालांकि यहाँ के कुछ ड्राइवरों से हमने बात की है, कुछ चालकों से बात की है, उनका क्या कहना है हम आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कम करीबन 1.5 घंटा हो गई मेरे को और टाइम कम आ रहा है गाड़ी के अंदर। यहीं से लगाऊँ अभी मैं बम्बे से जय भगवान से। बिहेव हम लोग कहाँ जाएंगे सर? इधर इमरजेंसी सर्विसेज में हम लोगों को काम नहीं करके दे पा रहे हैं तो आगे हम क्या काम देंगे? तो मेरा ये कंसर्न है सर कि प्लीज़ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ कीजिए। कोविड में लोगों के पास काम नहीं है, जब लोगों को काम करना है तो पूरा पूरा दिन आप हमें रोड पर लटका रहे हैं। इस इज द वे वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, दिस इज पैथेटिक। म्हणजे पावसामुळे खड्डे झालेले आहेत आणि खड्ड्यामुळे लोक वाहनधारक पण शिस्ताचं पालन करत नाही, रॉंग साईडने यायचा प्रयत्न करतात आणि इथं गोडाऊन वगैरे असल्यामुळे मालवाहतुकीच्या गाड्या जातात, त्यामुळे थोडंसं ट्रॅफिक जाम झालेलं आहे। आपलं पूर्ण स्टाफ हायवेला लावलेलं आहे आणि ट्रॅफिक 15-20 मिनिटात क्लिअर होतं। भिवंडी से आशिष राजभर की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज। स्पीड न्यूज ताज्या खबरों के लिए करें सब्सक्राइब।